हेलो दोस्तों दोस्तों हाल फिलहाल हुंडई ने अपनी नई माइक्रो एसयूवी जो है एक्स्टर लॉन्च की थी और हमने भी एक वीडियो बनाई थी पंच और एक्स्टर के बीच के जो कंपेरिजन है उसकी, तो उसका भी आई बटन में कहीं आपको नजर आता होगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो भी आप जाके देख सकते हैं। बट अभी आज हम बात करेंगे एक्स्टर के बारे में। जी हाँ, एक्स्टर के बारे में बात करेंगे कि ये गाड़ी जो है आपकी मार्केट में इसमें धूम मचा दी। जी हाँ, हर तरफ इसके नाम पे चर्चा होने लगी, खूब पॉपुलर हो गई, बुकिंग पे बुकिंग मिलने लगी। बट और सभी ने इसके बहुत सारी खूबियां गिनाई। जी हाँ दोस्तों, सबने इसकी जो है खूबियों के बारे में तो बहुत जिक्र किया, बट देखिए अगर इसमें कुछ खूबियां होती हैं तो कमियां भी जरूर होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई चीज आप लेके आपके पास अगर उसमें खूबियां खूबियां हैं तो एक उसका पहलू होता है कि उसमें कुछ कमियां भी जरूर मिलेंगी। सारी कोई भी चीज जो 100% परफेक्ट नहीं हो सकती। तो दोस्तों आज अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्स्टर की वो बेसिक कमियां जो आपको जब आप इसको यूज करेंगे तो आपको ना उनकी कमी महसूस होगी, वो बेसिक खामियां हैं इसके अंदर। तो उन्हीं के विषय में आज हम बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी कमियां हैं जो कंपनी ने छोड़ दिए हैं या कंपनी भूल गई है या कंपनी ने कॉस्ट कटिंग के चक्कर में जानबूझकर उन चीजों को उन फीचर्स को इस गाड़ी के अंदर ऐड नहीं किया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं आपका होस्ट और दोस्त पवन यादव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सट्रीम रोडवेज में। तो चलिए जानते हैं एक्स्टर की कुछ खामियों के बारे में कि क्या खामियां हैं इस गाड़ी के अंदर जो थोड़ी सी अपनी जो कॉम्पिटिटर है उनसे रह जाएगी। तो चलिए सबसे पहले बात करें ग्राउंड क्लीयरेंस की। तो जी हाँ दोस्तों, ग्राउंड क्लीयरेंस जहां एक्स्टर का 185 mm का है, वहीं जो इसके कॉम्पिटिटर है पंच और मैगनाइट जैसी गाड़ियां उनका क्रमश 187 mm पंच का है और मैगनाइट का 205 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस है। तो ग्राउंड क्लीयरेंस में भी ये गाड़ी जो है थोड़ी सी रह जाती है अपने कॉम्पिटिटर से। चलिए अब बात करते हैं इसके फीचर्स की कि कौन कौन से फीचर्स जो है कंपनी ने इसके अंदर नहीं जोड़े हैं, जो जोड़ने चाहिए थे, वो एक बेसिक फीचर है और वो बहुत ज्यादा जरूरी है जब आप इतना बड़ा एक कॉम्बो पैक दे रहे हैं। चलिए एक बहुत अच्छी बात है कि ये गाड़ी जो है अंडर 6 lakhs जो है हुंडई ने लॉन्च किया एक्स्टर को, बट जो इसके अंदर सबसे बड़ी कमी थी वो जो है स्प्लिट सीट नहीं है। पीछे वाली जो सीट है वो स्प्लिट फोल्डिंग सीट नहीं है, वो आप फोल्ड नहीं कर सकते अलग अलग, वो पूरी सीट एक है जैसे ऑटोमेटिक होती है, तो ऐसे स्प्लिट फोल्डिंग नहीं है, तो ये भी कमी नजर आती है। दूसरा, इसके बहुत से मॉडल्स के अंदर आपको फोग लैंप नहीं मिलता है। यार क्या कर रहे हो आप, 6 एयरबैग दे रहे हो, चलो एक एयरबैग कम कर देते हैं, फोग लैंप तो लगा देते सारे, उसमें 5 एयरबैग में भी काम चल सकता था, तो बट ये इसके अंदर नहीं दिया है। दूसरा, आप अगर जब इसका इन्फो सिस्टम देखते हैं तो इस इन्फो सिस्टम में आपको एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले जैसी सुविधाएं नजर नहीं आएंगी। यार मतलब कहाँ जा रहे हो, जब जो बेसिक फीचर सब लोग दे रहे हैं वो आप नहीं दे रहे हो। दूसरा, अब एक और फीचर जो है इस गाड़ी से गायब है वो है पीछे का आर्मरेस्ट। जो पीछे का आर्मरेस्ट है वो भी गायब है इस गाड़ी से, वो भी नहीं किया गया है, तो ये भी एक अजीब अटपटा सा मुझे लगा कि ये फीचर्स भी इस गाड़ी के अंदर होना चाहिए था, आर्मरेस्ट भी देना चाहिए था। ज्यादा कोई ये ऐसा नहीं है कि कॉस्ट के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट डालता, कहीं और थोड़ा मोड़ा कॉस्ट कटिंग करके ये फीचर्स दिए जा सकते थे, जैसे इन्फो सिस्टम है वो इतना बड़ा ना हो के थोड़ा छोटा टच स्क्रीन छोटा हो जाता एंटरटेनमेंट सिस्टम का तो भी काम चल सकता था, बट ये फीचर्स ऐसे हैं जो आपको अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ गाड़ी को खरीदने के लिए। बाकी गाड़ी बिक तो फूट रही है बट ये कुछ फीचर्स हैं ऐसे। चलिए अब एक और फीचर जो सबसे बड़ा और वो है जो इसका फ्रंट सीट का जो हेडरेस्ट है वो बिल्कुल फिक्स्ड है। यार मतलब क्या कर रहे हो आप, वो एडजस्टेबल नहीं है, हेडरेस्ट वो फिक्स्ड है, तो ये कहीं ना कहीं लगता है कि थोड़ा सा जो है अटपटा सा इसके अंदर लगता है। तो ये कुछ फीचर्स थे जो कंपनी ने ये खामियां इसके अंदर छोड़ दी हैं। मैं ये नहीं कह रहा कंपनी इसको 100% पैक बना सकती, वो हर एक गाड़ी में कुछ ना कुछ कमी होगी, बट ये जो है
बेसिक फीचर्स हैं जो हुंडई भूल गई या कॉस्ट कटिंग के चक्कर में इनको छोड़ दिया गया है जानबूझ के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो सबसे बड़ा एक और जो खामी मुझे नजर आई ना इस गाड़ी के अंदर, मेरी बेसिक थी अपनी राय है कि इस गाड़ी की कीमत जो स्टार्ट होती है वो है इसकी कीमत के अंदर जो राज छिपा हुआ है वो एक मुझे कमी सी नजर आ रही है। क्या क्या कि इसकी कीमत जो है अंडर 6 लाख स्टार्ट होती है, 5.99 लाख से ये गाड़ी स्टार्ट होती है, पर जो इसका टॉप मॉडल है वो कहीं जाके 10 लाख रुपए के आसपास का पड़ता है। यानी कि ये गाड़ी जो है कहीं ना कहीं अपनी ही वेन्यू का जो है अपनी जो इसकी अपना हुंडई का अपना प्रोडक्ट वेन्यू उसी की किलर ना बन जाए या इसकी कुछ मॉडल वेन्यू के चक्कर में खत्म ना हो जाए। 8 लाख रुपए से आपकी वेन्यू स्टार्ट हो जाती है, जो अगर इसका जो है आपका 9 लाख रुपए का मॉडल या 8 लाख रुपए का मॉडल लेगा वो वेन्यू का बेस मॉडल ही ले लेगा, उसके अंदर भी बेसिक सारे फीचर्स हैं आपके, या 8.5-9 लाख रुपए के मॉडल में ट्रेन को सिस्टम तक भी आ जाता है। तो जब ये कुछ मतलब समझ में ऐसा नहीं आया इसका टॉप मॉडल लिया जाए या वेन्यू का बीच वाला मॉडल लिया जाए, तो ये ना कुछ अटपटा सा लगा, कहीं ये वेन्यू के किलर ना बन जाए या वेन्यू इसको किल ना कर दे। ये दोनों जो है जो प्राइस का जो इनका टैग है ना वो या तो डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए था वेन्यू से दूर या इसका टॉप मॉडल और उसका बेस मॉडल होना चाहिए था, तो समझ में आता ना कि भाई इसका टॉप नहीं है उसका बेस है। बट ये गाड़ी जो क्लैश कर रही है वेन्यू के बीच वाले मॉडल को जाके क्लैश कर दे रही है, तो वो जो है कहीं ना कहीं हुंडई को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है कि कहीं ना कहीं ये गाड़ी जाके वेन्यू की सेल के ऊपर इम्पैक्ट ना करे, क्योंकि वेन्यू की जो है वो एक मिड साइज SUV है, ये माइक्रो SUV है, दोनों SUV सेगमेंट की कार है। अगर कोई वेन्यू ले रहा है और वो सोचे यार 4 लाख रुपए सस्ता है, तो ये जो चीजें हैं ये कुछ जो है थोड़ा सा इम्पैक्ट डालती है, या कोई इसको ले रहा है वो सोचता है यार 8 लाख में ये लेने से अच्छा 8 लाख में वेन्यू ही ले लो ताकि कुछ बड़ी गाड़ी मुझे ले, तो ये चीजें जो है इम्पैक्ट डाल रही है इसकी सेल के ऊपर डाल सकती है। और मुझे पर्सनली मेरी ये ओपिनियन ये कुछ ना चेंज इसमें कुछ डिफरेंस होना चाहिए था। तो दोस्तों ये थी जो कुछ खामियां मुझे नजर आई इसमें हुंडई एक्स्ट्रा में जो मैंने आपसे शेयर की। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और हाँ चैनल पर नए हैं तो चैनल